नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। 14 जनवरी 2022 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर संक्रांति का दिन होगा, खिचड़ी का दिन होगा और अलग अलग जो हमारे भारत की जगह है वहां पर अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो आपके लिए एक बेहतरीन दिन है, खुशियों भरा दिन है सूर्य की कृपा पाने का। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा ये जानते हैं और आपको आज के दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए, कैसे आज का दिन मकर संक्रांति का दिन बिताना चाहिए, इससे संबंधित वीडियोस हमने चैनल पर डाल दी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। क्या दान करना है, कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है, सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो आपकी राशि के लिए सूर्य का यह परिवर्तन कितना शुभ कितना अशुभ है आइए जानते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में ही हमने उपाय बताए हैं ताकि आपके सूर्य के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सके। तो सूर्य का यह गोचर आपको मुबारक हो और ये जो मकर संक्रांति का दिन है ये खुशियां का दिन है और देवी देवताओं का माता पिता का आशीर्वाद पाने का दिन है। खुलकर दान करिएगा, आज का किया हुआ दान सर्वोत्तम दानों में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि का हाल। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है विस्तार से चर्चा करते हैं। ध्यान से सब चीज़ों को सुनिएगा ताकि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो अब आपकी राशि का नंबर आ गया है और जानिए अपनी राशि के बारे में विस्तार से। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2022 से होगा, तो क्या प्रभाव होगा तुला राशि के जातक जातिकाओं पर। चौथे घर में सूर्य आमतौर पर व्यक्ति को तनावग्रस्त बनाते हैं। ऐसा जातक जब भी अपने परिवार में होता है तो उसको तकलीफें होती हैं, वो विवादों से घिरा हुआ होता है, परिवार में उसको बातें सुननी पड़ती हैं, परिवार में तनाव होता है, समस्याएं होती हैं और परिवार में वो अपनी जो उसकी इमेज है उसको मजबूती से नहीं रख पाता है, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कमजोर अगर सूर्य होंगे आपकी जन्म कुंडली में तो जीवन में असंतोष होगा, पारिवारिक रिश्तों में तनाव होगा, कहीं ना कहीं आपको परिवार का ही सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपकी उम्र 32 से 35 वर्ष की है तो आपको थोड़े से अच्छे परिणाम यहाँ पर मिल सकते हैं। आप अपने माता पिता से प्यार तो करेंगे लेकिन माता पिता से लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, तर्क वितर्क भी करेंगे। यानी परिवार में प्यार होगा लेकिन तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को नीचा गिराना, इस तरीके की बातें भी होती रहेंगी जिससे परिवार में कुछ गड़बड़ी चलती रहेगी। रिश्तों को लेकर बड़ा ही संवेदनशील मामला हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहस लड़ाई में बदल जाए, तू मैं इतनी गहरी हो जाए कि एक दूसरे को उल्टा सीधा कह दे और अपनी मर्यादा को भूल जाए। तो ना ऐसा ना हो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा तुला राशि वाले लोग, क्योंकि पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा देखा गया कि बाप जो होता है वो बेटे को बेटा नहीं समझता, उसका अपमान कर देता है और बेटा बाप को बाप नहीं समझता, उसका अपमान कर देता है। ऐसी स्थितियां कई बार आ जाती हैं जब भी सूर्य चौथे घर में गोचर करते हैं। तुला राशि वालों को अपने परिवार के लोगों के साथ सही संपर्क बनाना होगा, सही तरीके से बातचीत करनी होगी और अगर आप घर में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको बहुत ही संभल कर रहने की मैं यहाँ पर सलाह दूंगा। ध्यान से गोचर कुंडली पर नजर डालिएगा। सूर्य चौथे घर में बैठे हुए हैं। सूर्य तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव के स्वामी हैं और मकर राशि में इनका गोचर हो रहा है, तो ये चौथा घर होगा जहाँ पर मकर राशि लिखी हुई है। तो माता आराम और भोग विलास पे सूर्य का गोचर हो रहा है, उस घर में सूर्य का गोचर हो रहा है। तो वैदिक ज्योतिष की बात करें तो साल 2022 का ये जो पहला सूर्य का बड़ा परिवर्तन है तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आप अपने परिवार वालों के साथ खट्टे मीठे पल बिताएंगे, परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा और कुल मिलाकर रिजल्ट तनाव भरा ही रहेगा। कभी प्यार तो कभी तकरार, लेकिन अगर दोनों की बात करें तो तकरार ज़्यादा होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा परिवार में एकजुटता कम रहेगी।
आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, आप धन संचय करने में सफल रहेंगे, पैसा कमा लेंगे, क्योंकि सूर्य आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी भी होते हैं। तो यहाँ पर नौकरी व्यापार से पैसा तो आता रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता, मानसिक परेशानियाँ बनी रहेंगी, पैसा आएगा लेकिन चिंता के साथ। कार्य क्षेत्र में आप अपने सीनियर अधिकारियों से तर्क वितर्क कर सकते हैं, घर में माता पिता से तर्क वितर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। इस समय में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सहायता से आपको कुछ संपत्ति खरीदने में मदद मिल सकती है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ कर निवेश करें, जांच पड़ताल कर लें, किसी की बातों में ना आए, नहीं तो धोखा भी हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको कार्यों में आपका मन व्याकुल रहेगा, आप कभी ये तो कभी वो इस तरीके की परिस्थितियों में वक्त को बिताएंगे और ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो घरेलू काम है वो भी अधूरे छूटेंगे, क्योंकि मन भटकेगा, दिमाग भी भटकेगा, तो आप अपने घर के छोटे बड़े काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको इसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य आपके प्रेम संबंधों को भी प्रभावित करेगा, आपका व्यवहार जो है वो आपके जीवन साथी से भी खट्टा रहने वाला है, कठोर रहने वाला है, बहसबाजी वाला रहने वाला है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, कहीं ना कहीं सेहत खराब होगी, सूर्य से संबंधित रोग परेशान करेंगे, हड्डियों का दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। पुराना कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है, पुराने किसी रोग की वजह से तनाव बढ़ सकता है, आपके माता जी की सेहत खराब हो सकती है, पिताजी से तनाव हो सकता है, और कुल मिलाकर आपके घर में खुशियाँ जितनी आएंगी उससे ज़्यादा तनाव रहेगा, यानी कि खुशियाँ आएंगी लेकिन उनको आप सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवार के लोग आपके साथ नहीं होंगे। हो सकता है कि आप सुबह लोगों से लड़ें, तर्क वितर्क करें, माता पिता से लड़ें, अपनी जीवन साथी से लड़ें, प्रेमी प्रेमिका से लड़ें, बच्चों से लड़ें, बॉस से लड़ें, और शाम को मिठाई का डिब्बा लेकर चले जाएं और आप ऐसा सोचें कि सबको मैं मिठाई खिला दूंगा तो जो मैंने सुबह मेरी जुबान से जो कड़वाहट निकली थी वो सब लोग भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है कहीं ना कहीं परिवार में एकजुटता ना होने की वजह से, परिवार में एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति होने की वजह से, तू मैं होने की वजह से, तू बड़ा कि मैं बड़ा, ऐसी प्रवृत्ति होने की वजह से आप तकलीफ में आ सकते हैं और आपके जीवन में कष्ट हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारी से लड़ जाना, व्यापार में साथ करने वाले लोगों से लड़ जाना, या अपने ग्राहकों से लड़ जाना, या जो आपके साथ में और अन्य व्यापारी हैं उनसे बहसबाजी कर लेना, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल देना, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन देंगी और आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। तो माना कि सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको संभलने की ज़रूरत होगी। सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, जुबान को कंट्रोल में कर लीजिएगा और शब्दों का चुनाव अच्छा करिएगा तो नौकरी व्यापार भी अच्छा चलेगा, रिश्ते भी कायम रहेंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी और कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो आपके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि आप तर्क वितर्क या कुतर्क बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ कर बोलें, नहीं बोलना है तो नहीं बोलें, बोलना है तो लिमिटेड बोलें, ज़रूरत का बोलें, फालतू का ना बोलें, तभी आपके रिश्ते बच पाएंगे। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन जब पैसे को खर्च करने की बारी आएगी, सेलिब्रेशन की, पैसा तो अपनों पे खर्च, तो शायद लोग आ तो जाए लेकिन अच्छे दिल से आपकी पार्टी में वो इंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे यही वो व्यक्ति है जिसने कल मुझे रावण कहा था और आज मुझे राम की तरीके से गले लगा रहा है। तो इतनी जल्दी लोग बातों को भूलते नहीं हैं। तो जो बातें बताई उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मौजूद है
तो आपके लिए ये जो मैंने बातें बताई, इन सब बातों से आप काफी हद तक बच जाएंगे। सूर्य को अच्छा रखने के लिए पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें और सूर्य भगवान को नमस्कार करें। उगते सूरज को नमस्कार करेंगे तो आपका जीवन भी तरक्की से भरा होगा और डूबते सूरज को नमस्कार करेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। तो फर्क इतना है कि जो लोग सुबह उठकर सूरज को नमस्कार करते हैं वो तरक्की पाते हैं और जो लोग डूबते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं उनके जीवन में अंधकार जल्दी आ जाता है। नमस्कार।